सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लॉस्ट ट्रैवलर मनोज ब्लॉग में। और आज काफ़ी दिन के बाद मैं वापस से एक नया वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि पिछले टाइम पर कोई कंटेंट था नहीं। तो अब जो है हमारा फेवरेट जो मौसम है वो स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि उत्तराखंड में इस वक्त हो रही है जम के बरसात। और ये जो 3 महीने हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये होते हैं हमारे फेवरेट महीने, क्योंकि इनमें मिलते हैं बादल, हरियाली, नदियाँ, झरने, सब कुछ। तो आप पीछे देख ही रहे हैं किस तरह का हो रहा है मौसम। और अब मैं दिखाता हूँ आपको ये नज़ारा जो आपने कभी बहुत कम देखा होगा। तो पीछे देखिए मेरे, क्या सुंदर वैली का नज़ारा है। नीचे सामने गोमती नदी बह रही है, और गोमती नदी ऐसे ही मिडिल होते हुए, बीच से होते हुए ये जाती है बागेश्वर को, और बागेश्वर जाके मिल जाती है सरयू में। और ऊपर देख रहे हैं बादल सारे जो कि पूरे पहाड़ों पर उतरे हुए हैं। जब मैं घर से चला था उस वक्त बादल पूरी तरीके से नीचे थे और कोहरा लगा हुआ था, लेकिन अब धूप निकल आई है तो काफ़ी अच्छा है मौसम। तो आगे भी ढेर सारे ब्लॉग हम लेके आते रहेंगे। और इधर देखिए सामने शिखर का जो पर्वत है वो दिख नहीं रहा, बहुत जल्द शायद हम शिखर भी जाएंगे। एक्चुअली में हमारा शिखर जाने का प्लान था आज, लेकिन सवेरे जब मैं उठा उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन 4-4:30 बजे फिर बारिश होने लग गई। तो ऐसे में वहाँ जाना सेफ भी नहीं था, क्योंकि काफ़ी स्लिपरी रास्ता है और जोक बहुत मिलते हैं आजकल उधर। तो अब जो अगले आने वाले कुछ महीने हैं, जुलाई के जो दिन बचे हुए हैं और उसके बाद अगस्त सितंबर, इनमें मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 15-20 वीडियो तो आपके लिए लेके आऊं। तो देखते हैं कैसा रहता है आगे का, कहां कहां का प्लान बनता है। कुछ बड़े प्लान थे इस बार के हमारे, लेकिन वो पूरे हो नहीं पाए कुछ बजट प्रॉब्लम के कारण। गढ़वाल साइड जाने का प्लान था, लेकिन वो शायद देखेंगे नेक्स्ट टाइम, जब भी होगा आप देख ही लेंगे ब्लॉग में। सबसे फेवरेट मौसम रहता है उत्तराखंड में, अगर उत्तराखंड घूमने आप आना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम है इस वक्त। तो सेफ़ है काफ़ी उत्तराखंड में ट्रैवल करना, आप बड़े आराम से आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि बरसात के मौसम में उत्तराखंड अनसेफ़ होता है। अनसेफ तभी होता है जब आप जो है गलतियाँ करते हैं, जैसे काफ़ी हैवी रेन जब हो तो ड्राइव ना करें, और रात के समय ड्राइव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पत्थर इत्यादि गिरने का और भूस्खलन होने का डर बना रहता है। और जो रोड्स के ऊपर नदी नालों की क्रॉसिंग्स होती हैं, कई बार हैवी रेन में क्या होता है कि जो नदी नाले होते हैं स्पेशली, वो रोड के ऊपर से बह रहे होते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं उनके ऊपर से बाइक या कार निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें कार और बाइक दोनों बह जाते हैं। तो ये सावधानियाँ रखनी चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट मौसम अगर उत्तराखंड घूमने का कोई है तो वो बरसात का मौसम है, क्योंकि इसी में जो है असली ब्यूटी जो है उत्तराखंड की देखने को मिलती है। पीछे आप देख ही रहे हैं, जूम करके अभी मैंने कर रखा है पूरी वैली, वो सामने जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है गोमती नदी जाते हुए दिख रही है पहाड़ों के बीच से, और ऊपर बादल लगे हुए हैं। अभी सामने जो शिखर महादेव है वो भी अभी बादलों से पूरी तरीके से घिरा हुआ है। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कुछ व्यूज जो मैंने कैप्चर किए हैं आज, कुछ स्लो मोशन है, कुछ टाइम लैप्स हैं, और गांव के कुछ वीडियो हैं, वो मैं अभी डालूंगा इसके बाद। तो मज़ा लीजिए आप उन सभी वीडियोस का, और अगर आप घर से बाहर हैं तो देखिए कैसा उत्तराखंड का मौसम।